ये इस तरह का मैसेज दें जी इनको। अर्शद भाई आप सही कह लेकिन रहे हैं। सर बस वो भी एक बड़ा एक नाजुक सा सवाल है, उस पर भी आते हैं। लेकिन अजय साहब वहां पे मुझे जरा ये फैज अमीन बताएं साहब भी एक हैं जी, कोर कमांडर ध्यान रखना होगा जहां पे ये काम हुआ। वह जहां 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 जाते हैं चांद चढ़ा देते हैं। और नहीं, वो दोनों पासे बॉलिंग करने वाले अपना ही होता है, बैटिंग वाले अपने ही होता है, तो कोई गल नहीं, लगे रहने दो, खेडने दो उन्होंने। अच्छा राजा साहब जरा एक गलत नहीं दसो, इमरान खान साहब यही बताते रहे हैं कि उनका कोई काम कारोबार नहीं है, तो वो टैक्स किस बात कर रहे हैं? अब 2017 में या 16 में या 18 में 19 में 20 में उन्होंने टैक्स ना होने के बराबर जमा करवाया, अभी अचानक उन्होंने 98 लाख टैक्स जमा करवा लिया है। और अगर इसके को पाकिस्तान में 17% 18% टैक्स आपकी इनकम पे है, तो इसका मतलब है कि आपने जो 1 करोड़ रुपया टैक्स जमा करवाया तो आपने 16-17 करोड़ रुपया कमाया होगा माइनस प्लस, तभी जाके आपने 1 करोड़ टैक्स जमा करवाया। अब यहाँ पे दो सवाल पैदा होते हैं, पहली बात कि अगर 16-17 करोड़ रुपया कमाया है तो इन्वेस्टमेंट कितनी की है, और फिर दूसरी देखिए बात वो जो इन्वेस्टमेंट की है जिससे काम कारोबार किया है और ये 16-17 करोड़ कमाया है और फिर 1 करोड़ टैक्स दिया है, तो वो पैसे कहां से आए हैं? आपके पास तो पिछले साल टैक्स देने के लिए पैसे ही नहीं थे, काम कारोबार नहीं था, ये अचानक नया कारोबार कौन सा आ गया खान साहब का, और तनख्वाह उनकी 8 लाख रुपए है। सवाल आपने वो, ये तो न्याजी साहब खुद ही इसका जवाब दें तो फिर आपको ही वो कहेंगे कि संडेला साहब आप लोगों को कंफ्यूज मत करें, ठीक है ना। तो ये चीज है कि देखें ये तो बड़ी बात तो देखे, हमारी सवाल तो बड़ा सादा सा है, बात तो बड़ी सादी, समझने के नहीं, लिए इसको बिल्कुल मेरे तो बिल्कुल बिल्कुल इसने सही बात भाई है। कल तक और आपका बिजनेस नहीं था, आज आपने इतना टैक्स जमा करवा दिया और जमा करवाया कि ये जी मेरी इनकम टैक्स है, मेरी इनकम पर टैक्स है, और इनकम बिल्कुल कितनी है उसको आप देख लें, अगर 15-16% टैक्स है तो 17% हर हर करोड़ पे उन्होंने दिया तो ये 1 करोड़ रुपया टैक्स है। अब वो 17 करोड़ रुपया जो कमाया है जिसपे टैक्स दिया है, तो उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट है वो कितनी बड़ी है, और वो कौन सी इन्वेस्टमेंट है, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट है? वो तोशाखाना है। नहीं, तोशा खाना क्या है? तोशा खाना मतलब तोशा खाना के पैसे जमा करो, उन्होंने को बिजनेस कर लिया, कारोबार कर लिया। जी जब इन्होंने उसको, जब क्योंकि ओपनली बिका ना, ओपन मार्केट में जब चीज बेची तो वो पैसा जो है ये छुपा के ना जेब में नहीं ला सकते, तो उसको लाना बैंक के थ्रू है। तो वो रसीद जो बनती है तोशे खाने की चीजों की, वो उन चीजों की है टोटल। आप देख लें जब जब वो इन्होंने इनकम किए, तोशे खाने के गिफ्ट बिके हैं सारे ये सर, गो। आप इसको अगर मैं एरिया थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं ना, जिस हद तक तो समझ में आरजीडी आती सारे है। कुछ जी। देखें जब ये ब्लैक को व्हाइट करते हैं ना, उसके बाद उनको कुछ ना कुछ तो सर्कल में लाने के लिए करना पड़ता है। ये वो सबूत है। इमरान खान साहब की और ये जो इनकी बहनों की जो प्रॉपर्टीज और छोटी मोटी ये चीजें सामने आती हैं, ये बहुत माइनर है, लेकिन इनको मूव करने के लिए सोसाइटी के अंदर कुछ ना कुछ शो करना पड़ता है। अदरवाइज इनका मोर देन, मैं बड़े संभल के कह रहा हूँ, मोर देन 95% जो उनसे है ना, वो सब ब्लैक के अंदर है। और वो जो चैनल है ना, वो यही मेरा मेरे चैनल मुझे जरा दोनों आप भाई समझा दें, राजा साहब भी मैं, और मुझे और राजा साहब दोनों को समझा दें, क्योंकि आप माशाल्लाह काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। आप ये कह रहे हैं कि उनका काम कारोबार बिजनेस कोई नहीं है, पैसे कहीं से आए हैं और वो बैंक में शो हुए हैं और उनको बताना पड़ रहा है कि ये मुझे किसी ने दिए हैं, ये मेरी इनकम है या मेरा प्रॉफिट, उसमें टैक्स दिया ये आपने, ये कह रहे हैं आप? सर। देखिए एक एक एनओसी नहीं, जिस टाइम में मुझे मुझे पाकिस्तान में इस चीज इशू होता का, ना, मैं अब सॉरी टू कट यू ऑफ, जी जी मुझे लगता है कि उसको किसी ने मशवरा दिया है कि अब जो है ना तुम वजीर आजम की कुर्सी पे सिलेक्ट करके बिठाया गया है तुम्हें, तो कम से कम अब तो टैक्स ज्यादा कर दो, तो उस चक्कर में आके उसने अपनी क्रेडिबिलिटी थोड़ी सी बनाने के लिए बगैर सोचे कि मैनू केड़े किसे पूछना है कि मैं कितों जड़ा ना मेरा टैक्स इतना ज्यादा आ गया, तो उसको बैलेंस करने के लिए वो उसने किया है, मगर ये नहीं उसने सोचा ना कि लोग ये भी नहीं राजा साहब, ये क्वेश्चन रेज होंगे। आपका आपका जो है वो मैं उसको बिल्कुल जो आप कह रहे हैं ठीक है, लेकिन मेरा देखें हम इस सवाल को बार 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 देखें, दो चीज, एक चीज तो मुझे यहां से आ गई फीडबैक आ गई, राजा साहब फरमा अपना खान साहब फरमा रहे हैं कि ये पैसे वहां से जो बेचे हैं वो इनकम आई है या वो जो पैसे बाहर से हैं उस पर देना पड़ा, एक बात तो ये समझ आ गई। दूसरी बात यह है कि किसी बंदे का बिजनेस जनरेट हुआ है, उसने नया बिजनेस काम कारोबार किया, उसकी इनकम हुई है, उस पर से टैक्स दे पेड किया, ये दोनों में से एक चीज हो सकती है, वे दोनों ही गलत हैं। खान साहब कोई भी ऐसी चीज साबित तो नहीं कर सकते। हाँ एक चीज मेरे जहन में आई थी, वैसे आपस की बात बताऊं मैं आपको, ये हो सकता है देखें बिजनेस या काम या कारोबार जो है ना वो मियां बीवी दोनों का भी तो हो सकता है खान साहब, मतलब कि आपका जो अगर जो पार्टनर है आपकी उनका भी तो बिजनेस चल पड़ता है, वो देखें बड़ा मशहूर है उनका काम जो, वो मतलब उनका जो काम है
तुईज आगे वाला को वहां से इनकम आ गई हो, तो वो कल कह रहे हैं जी मतलब नहीं जी नहीं, वो खातून इस तरह की नहीं है, और वो बल्कि इनको डांटेगी और मारेगी कि तुमने चीजें क्यों बेची हैं, वो और दिमाग की औरत है। ये इन्होंने चीजें जो बेची हैं जो दिखा नहीं रहे, बार बार नहीं दिखा रहे, जज का घर इन्होंने कब्जा कर लिया है कि चुप करो ये तुम क्या कर रहे हो, उसकी मद में ये जो पैसे जो आए हुए हैं ये इन्होंने डिक्लेयर किए हैं। और आप देखें सरकारी मुलाजम बयक्त वक्त दो जॉबें नहीं कर सकता, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो ये बताएं ना कौन सी जॉब किस चीज की कंसल्टिंग की है इन्होंने कि अगर इनको तनख्वाह मिली है, ये तनख्वाह नहीं है, ये इन्होंने तोशे खाने के नवादरात जो बेचे हैं, और मजे की बात है कि अपने दौर के नहीं मियां साहब के दौर के भी बेचे हैं पिछली हुकूमत, तो तभी तो इतना बड़ा अमाउंट आया है, क्योंकि उसके अंदर पाकिस्तान 1970 से उसके अंदर जनाब वो तुफंगे और तो वो पिस्तौल दूसरे वाले अंग्रेजों के, और उसके अंदर शील्ड्स हैं, पता नहीं क्या क्या उसके अंदर था, वो तो एक म्यूजियम था बहुत बड़ा। अल्लाह जन्नत में आला मकाम अता फरमाए पीरो मुर्शिद, मेरे तो मतलब के बाप वाली जगह पे थी मुशाहिदुल्लाह खान साहब, एक नशेई ने है जी, सब तो पहले घर का सामान ही बेचा, फिर जी ये बेचा ही लाए रहे, मतलब इसको तो एक घड़ी मिली थी वो भी उसने दूसरे दिन जाके बेच दी। यार वैसे आपस की बात है, हम लोग खान साहब मैं मतलब के बहसियत पाकिस्तानी कभी भी शर्मिंदा नहीं हुआ इतना, या मुझे कभी भी इतनी मतलब के नहीं हुई। अब बिलीव करें कि वो लोग जो जिनका पाकिस्तान से कोई कंसर्न नहीं था यहाँ पे यूरोप में ना, वो पाकिस्तानी भी नहीं थे, किसी दूसरी जनरेशन से मतलब इंडियन थे या बंगाली थे या कोई जापानी था या व्हाटएवर, वो भी कहते हैं कि यार तुम्हारे मुल्क की किस्मत बदल गई, वहां पे एक एक बहुत बड़ा बंदा आ गया, इमरान खान हुकूमत आ गया तुम लोगों का मुल्क। आपको शायद याद होगा कि दुनिया में इन्होंने इसका चेहरा ऐसे बिल्ड किया था, इंटरनेशनल मीडिया से लेके पता नहीं कहां कहां से कैसे कैसे से सोशल मीडिया के इस बंदे को वो बन के दिखाया था जो पाकिस्तानी नहीं था, वो भी सोचता था कि यार की चीज आ गई इमरान खान, क्या ईमानदार बंदा। कल वो मेजर गौरव जो है इंडिया का, वो जो है वो कंसल्टेंट सा, मुझे सख्त तप चढ़ी हुई है और मैंने उसको पकड़ना है, मैंने रिक्वेस्ट कर दी है वो अनीस भाई से कि भाई इसके साथ मुझे लेकर आओ। वो कह रहा है कि देखो खुदा माफ करे साहब, या अनीस भाई का नाम ना लें, ये कई जगहों पे अनीस भाई। हाँ तो उनसे जो भी है वो उनसे उसने कल कहता है वो इंसल्टिंग अंदाज में ये वो कह रहा था कि देखें जी इनके हालात इतने खराब हो गए हैं कि ये लोग जी गुड्डे उनमें सुइयां चुबो रहे हैं और काला जादू कर रहे हैं, इशारा उसको अपनी कौम की तरफ था कि हम भी करते हैं काला जादू, तो ये भी इतने डेस्परेट हो गए हैं। भाई हम डेस्परेट नहीं हुए, हम डेस्परेट कर दिए गए, हम अंदर के दुश्मन से लड़ना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल ठीक है ये, हाँ ये डेफिनेट डेफिनेट, आप बाहर से लड़के आए तो बिस्मिल्लाह लड़के आते हैं, अब आप घर पे किससे लड़ सकते हैं, ये घर की लड़ाई जो है वो हमेशा बड़ी मुश्किल लड़ाई होती है। अच्छा जी इसपे दो चार चीजें और भी जी, इसपे मरियम नवाज ने भी ट्वीट की हैं, अगर आप कहें तो मैं वो बड़ी काफी उन्होंने भी बड़ी हॉट किस्म की ट्वीट्स की हैं जी। जी जी बिल्कुल दिखाएं ये जनाब, मैं बल्कि मियां साहब की ट्वीट दिखाई आपको, ये मरियम बीबी की ट्वीट भी दिखाते हैं जी। मरियम बीबी लिखती है कि इमरान खान ने सिर्फ चोरी की छुपाई बल्कि अवाम की जेबों पर डाका डाला और इनकी मेहनत और खून पसीने की कमाई पर ऐश की, पे दर पे इंकशाफात लीक्स और सबूतों के अंबार इमरान खान समेत पूरी पीटीआई को फारग करने के लिए काफी हैं, इतने संगीन फ्रॉड स्कैंडल तारीख में किसी जमात के नहीं आए। राजा साहब इसमें सवाल भी आपसे ये ले लेते हैं, क्या जो एक मिथ चलती है कि इमरान खान साहब को फारग करने के लिए फंड फंडिंग केस का सहारा लिया जाएगा, क्या ये पेशरफ्त हो सकती है उस तरफ के आहिस्ता आहिस्ता स्टेज बनाना शुरू कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को कुर्बानी का बकरा यहीं पे बनाया जाएगा, घर यहीं पे भेजा जाएगा, बल्कि पूरी पार्टी को फारग कर दिया जाएगा? जाहिर है उन्होंने अब इन्हीं चीजों के बारे में ज्यादा बात होती थी कि ये सारी चीजें जो है इतनी क्रिस्टल क्लियर है, और आप जो है ना वो ना इलेक्शन कमीशन को कुछ हिलने देते हैं ना अदालतों को कुछ करने देते हैं। और वही जो पिछले दिनों भी हम बात कर रहे थे कि अपोजिशन चाहती है कि ये कराएं और वो चाहते हैं कि ये कराएं, तो लगता है कि अपोजिशन ने अब कह दिया कि भाई कुछ काम तुसी भी करो जी, ठीक है ना। तो ये कितनी मतलब बात ये जो हम लोग अपोजिशन पे गर्म होते हैं कि बड़ी ढीली है, करती कुछ नहीं, अवाम भूखी से महंगाई कर रहे हैं, ये भी एक प्लान का हिस्सा है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और अब जो है, और हमेशा ये बड़े एक किसी अच्छे बंदे ने, मुझे अब उसका याद नहीं रहा, प्रवेश संदेला कह लो, उन्होंने संदेला साहब ने फरमाया था शायद कि जब ये वक्त आएगा ना तो सिर्फ इन्होंने सारे चैनलों को सबको कहना है कि बस सिर्फ सच बोलो और कुछ ना करो तुम। ट्रू एग्री।
सच बोल रहे हैं और ये बस दलाल से जो है ना। अच्छा वो फिर वो देखे क्यामत की निशानियां होगी कि एआरवाई भी सच बोलेगा, ये क्यामत की निशानियों में से एक होगा, सबसे ज्यादा बोलेगा, सबसे ज्यादा बोलेगा। हाँ ये खास क्योंकि उन्होंने तो आगे भी वो मुझे याद है वो मुबशर लुकमान के जो यू टर्न थे जब एमकेएम पे क्रैकडाउन हुआ था उससे एक हफ्ता पहले उसके क्या बयान थे और जिस दिन क्रैकडाउन शुरू हुआ उस दिन उसके क्या बयान थे, मतलब वो कहता था ये तो दहशत गर्द है, ये तो राक एजेंट है, और एक एक हफ्ता पहले वो बोलता था कि जनाब इस कराची को अगर किसी ने संभाल के रखा हुआ है तो वो एमकेएम है, पीरो मुर्शिद है और जनाब ये क्या कहते हैं। अरे वो हमारे पास एक क्लिप ढूंढ भी सकते हैं, हम लोग पढ़ा होगा सिस्टम में, वो इमरान खान गिल्ला तीतर, वो याद है आपको नवाज शरीफ दौर में वो तहरीके लबैक वालों को क्या कहता था, ये मुजाहिद है, ये शहदा है, जी बिल्कुल ऐसे पर कट मरेंगे मर, और जैसे इमरान खान ने कहा ये दहशतगर्द है, ये तरीकाकार है, वो तो यार बाकी चीजों को तो छोड़ो, बाकी करदा लेने से किस तरीके से न सिर्फ उसका इम्प्रेशन बनाने में बल्कि उसको इतना सामने और रखा हुआ है कि अगर बाजवा साहब चाहते कब का इससे जान छुड़ा लेते, ठीक है, मगर ये वो लाइम लाइट में आने की वजह से पूरी दुनिया देख रही है और हालात वैसे ही ठीक नहीं है, तो इसलिए वो भी कहते हैं यार इसको अगर हम कुछ करते हैं तो फिर वो थोड़ा सा टाइम तो पूरा होने दो ना, टाइम पे कर लेंगे, जल्दी नहीं कि वो करते। ये भी एक इसकी ताकत बन गई है। दूसरी चीज ये कि यकीन करें कि इनके करीब के हलके में एक ये भी एक फनी बात है, मगर अभी तक नून लीग वाले भी इमरान खान को समझने के मामले में सीरियस नहीं हुए हैं, यकीन करें। वो चाहते हैं कि उनके लीडर जो लीडर नहीं जो सेकेंड टीयर की लीडरशिप है वो इससे लड़े। अभी तक किसी बंदे ने इमरान खान के कोचेज को, क्रिकेट के कोचेज को नहीं लाकर इंटरव्यू किया कि ये इंसान का बच्चा है क्या, ये बताओ तो सही उनको इसकी तो वो नफ्सियात पता है। कल सरफराज नवाज को ले लेते हैं प्रोग्राम में, वो तो साथ खिलाड़ी था, कोच लाना है, कोच वो जो इंतखाब आलम साहब करके एक आदमी अल्लाह को वो जिंदा है इंतखाब आलम साहब, मुझे नहीं मालूम, वो मैं खुद मिला था एक जमाने में, तो मतलब उस लेवल का आदमी चाहिए, तो कोई भी नहीं लाया इनके किसी भी कोच को, नंबर वन। दूसरी बात, पाकिस्तानी कल्चर में एक इशारा है आंख का, ऐसे आंख मार के तो मुंह को यूं टेढ़ा करने का मतलब होता है बस चुप हो जाओ, यानी ये कुछ मतलब है। जिस बंदे को खान साहब के पास आने के बाद इनकी जो जाती हरकतों की वजह से शौक लगता था ना, वो हम इस बात का वेट कर रहे होते थे कि इनके दोस्तों में से कौन आंख मार के बंदे को कहे यार बस चुप करके बैठा रहे, वरना लोग उठ के चले जाते थे, ठीक है। इनको तो आपको पता है तमीज के मामले में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इनको तो, और ये तमीज इसलिए हम ये समझते थे हम के इनकी